हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लाई हूँ कि हम मेकअप में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, किस किस चीज़ों से हमारा मेकअप हो सकता है। कम से कम हो चीज़ें तो भी अच्छा है, हम कर सकते हैं मेकअप। अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं तो भी हम मेकअप कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ों का वेरियंट है जो हम लेकर आई हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको आप क्या क्या चाहिए। शुरुआत से चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम जब फेस वॉश करते हैं, CTM करते हैं, मेकअप करने से पहले क्लींजिंग टोनर एंड मॉइस्चराइजिंग, ये सब करने के बाद हमें सबसे पहले प्राइमर की ज़रूरत होती है। आप प्राइमर किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कई तरह की आजकल कंपनियाँ प्राइमर बना रही हैं। अगर आपका जिस तरीके का बजट है उसी तरीके के आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपका बजट कम है तो कम रेंज में जाइए, यदि आपका बजट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेंज में जा सकते हैं। आप नेक का ले सकते हैं, आप हुडा बीटी का ले सकते हैं अगर फर्स्ट कॉपी मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो इसकी सेकेंड कॉपी भी ले सकते हैं। मेरे पास तो सिर्फ बीटी का प्राइमर है। मैं आपको ओपन करके बताती हूँ, ये देखिए, ये ऑयल कंट्रोल बेस है, प्राइमर बेस है। हम इसको लगाते हैं तो हमारा ऑयल फेस से हमारा ऑयल कंट्रोल होता है। इसको हम यदि लगा लेते हैं तो इसके बाद जो हम फाउंडेशन लगाते हैं या कंट्रोल करते हैं या जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं, हमारा स्मूथली स्प्रेड हो जाती है। प्राइमर लगाने के बाद हमारी स्किन मेकअप के लिए तैयार हो जाती है। देखिए कंट्रोल की, कंट्रोल करने के लिए देखिए इसमें इतने सारे शेड हैं। ऑरेंज शेड भी मिल जाएगा, ब्राउन शेड भी मिल जाएगा, लाइट शेड भी मिल जाएगा, यहाँ तक कि आप को आपके बेस के हिसाब से, आपके फेस की स्किन के हिसाब से, टोन के हिसाब से आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये मैं दूसरा बता रही हूँ आपको, ये ADS का है। ये देखिए, इसमें ग्रीन कलर भी मिल जाएगा, पिंक कलर भी मिल जाएगा, प्लस तो आपके कंट्रोल के लिए मिल जाएंगे, ये आपके बेस के लिए मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है, आप इससे भी मेकअप पूरा कर सकते हैं। आपको फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप फाउंडेशन से करना चाहते हैं तो आप दो तरह के फाउंडेशन ले सकते हैं, एक लाइट और एक डार्क। लाइट और डार्क को मिक्स करके आप किसी भी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे हम कलर नहीं खरीद सकते। ये देखिए, ये लिक्विड फाउंडेशन है मेरे पास, ये ओलिफ्लेम की है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आपका बजट जितना है आप उतना परचेज कर सकते हैं। ये कम से कम ये 700 से 800 का फाउंडेशन आता है। आप चाहे तो 100 वाला भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इससे ज़्यादा मेक वाला ले लें, हुडा ब्यूटी का ले लें, स्विस ब्यूटी का ले लें, आप जिसका चाहे उसका ले सकते हैं। आप एक लाइट दीजिए, एक डार्क लीजिए, दोनों को मिक्स करेंगे। यदि डार्क स्किन है तो डार्क ज़्यादा यूज़ होगा, अगर फेयर स्किन है तो डार्क कम यूज़ होगा। ये है स्किन टिंट है, ये ओरिफ्लेम का है स्किन ग्लो। यदि आप इसको फाउंडेशन में मिक्स करके लगाते हैं तो जिस तरीके से हम देखते हैं हीरोइन, हम टीवियों में देखते हैं, जो सीरियल्स में आते हैं, उनके जो फेस पर चमक होती है वो इन्हीं चीज़ों से होती है। आप यदि इसको इसमें मिक्स करके लगा लेते हो तो आपकी स्किन में वैसा ही ग्लो आएगा, आपका ग्लो अलग ही दिखेगा। इसको हल्का सा लेना है, एक मटर के दाने के बराबर। और आप यदि फाउंडेशन में मिक्स नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको पहले इसको स्प्रेड कर लीजिए पूरे फेस पर थोड़ा सा लगा के, और उसके बाद फाउंडेशन कीजिए, आपका फेस शाइन करने लग जाएगा। ये स्टिक्स हैं, ये कंटूर के काम भी आती हैं और आप चाहे तो बेस लगाने के काम भी आती हैं। ये देखिए, कई तरह के इसमें कलर आते हैं, लाइट डार्क। ये मेरे पास NYB के हैं, ये देखिए, ये मेरे पास ओलिविया की स्टिक है,
आंखें येलो कलर की है, जहाँ जब आंखों के आगे आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, तो इसको लगा करके एक कोट इसका लगा लीजिए आप। और उसके बाद जो आपका बेस है, आपकी स्किन का कलर है, आप उसको उसके ऊपर फाउंडेशन को लगा लीजिए, आपका चेहरा एकदम इवन टोन में आ जाएगा, आपको और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका नंबर है 07। और एक इसमें ये लाइट कलर आता है 007। जब हम आँखों के ऊपर आईशैडो लगाते हैं, आईलाइनर लगाते हैं, तो इसको बेस के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल लाइट शेड है ये, इसको आप इस तरीके से अपनी आँखों के ऊपर लगाएंगे और उसके बाद आप आईशैडो को डिपॉजिट करेंगे। किसी भी चीज़ को आप आँखों पर डिपॉजिट करेंगे तो आपकी वो चीज़ उभर कर आएगी, अन्यथा हमारे को कई बार ऐसा होता है कि आईशैडो हम लगाते हैं तो हमारी आईशैडो नज़र नहीं आती हमें। लेकिन यदि हम इस चीज़ को डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद आईशैडो लगाएंगे, शिमर में लगाएंगे, चाहे मेट में लगाएंगे, तो हमारी आंखों पर नज़र आएगा। NYB के काफ़ी कलर आते हैं इसमें, आपको कंटूर के लिए डार्क भी मिल जाएंगे, लाइट भी मिल जाएंगे, ग्रीन, येलो, जो आप चाहेंगे। देखिए ये येलो टोन में आ गया। इस तरीके से देखिए, ये आई शेडो किट है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, यदि आप सीख रहे हैं तो छोटी से छोटी इस तरीके से आप छोटे छोटे कलर ले लिए, आपको 100 रुपीज में ये आपको पर पीस मिल जाएगा। ये देखिए, ये मैट में है, ये देखिए, ये इस तरीके से आप यदि ज्यादा क्वांटिटी में चाहते हैं, ज़्यादा कलर्स में, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये शिमर में है, ये काफ़ी 50 से ऊपर कलर हैं इसमें। आप चाहें तो इससे ज़्यादा वाला कलर भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये ब्लशर्स हैं, ब्लशर्स हैं, कंटोर हैं, आप इसमें ब्लशर भी लगा सकते हैं, कंटोर भी, ये देखो कंटोर कलर भी कर सकते हैं आप इसमें, जो कोई सा भी कलर चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइट चाहेंगे तो लाइट भी, अगर यदि आपको इससे भी ज़्यादा लाइट चाहिए ब्लशर में, तो आप इसमें हल्का सा फाउंडेशन में, हल्का सा, जब हम कॉम्पैक्ट लगाते हैं तो हल्का सा एक ब्रश कॉम्पैक्ट में यूज़ कीजिए और उसके बाद एक ब्रश इसमें मिक्स करिए, आपका बहुत लाइटली ब्लशर यूज हो जाएगा। सिंगल सिंगल पीस भी आते हैं, आप चाहे तो सिंगल पीस ले सकते हैं। ये देखिए, ये कॉम्पैक्ट है ओरिफ्लेम का, इस तरीके से आई शेडो की छोटी छोटी बॉक्सेस भी आती हैं। आपको जैसा जैसे चाहिए, जैसा चाहिए मार्केट से, आप ऐसा ले सकते हैं। ये देखिए, ये जेल आईलाइनर है, इसमें दो तरह के आते हैं, एक ब्लैक एंड एक ब्राउन। ये ब्लैक एंड ब्राउन की है, ये म्यूजिक फ्लावर का है, आप चाहे तो इसको परचेज कर सकते हैं, आप चाहे तो दूसरी कंपनी का परचेज कर सकते हैं। ये इस तरीके से, ये आप चाहे तो आईब्रो डिफाइनर को इस तरीके से इससे भी यूज़ कर सकते हैं आप चाहे तो, आईब्रो डिफाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने NYB की लिपस्टिक मंगाई थी ऑनलाइन, आप इसको मंगा सकते हैं, आप ब्रश से आराम से इसको इजीली रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से कलर में आजकल आईलाइनर आ रहे हैं, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, आपको जैसा चाहिए वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा ओरिफ्लेम कंपनी का है, ये देखिए, ये देखिए, बनी स्प्रेड में यूज हो रहा है, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए,
इस तरीके से पेंसिल भी आती है काजल लगाने के लिए, आईलाइनर लगाने के लिए, आप इस तरीके से एक ही स्प्रेड में यूज कर सकते हैं। देखिए स्मूथली यूज हो रहा है। ये मेरा एलेटिन का है। हमें आंखों को बड़ा दिखाना है तो हमारे को व्हाइट काजल चाहिए। ये देखिए ये लॉन्ग लास्टिंग है। ये इस तरीके से भी काजल आता है। ये देखिए आप इसको भी लेके यूज कर सकते हैं। ये देखो कितना काला ब्लैक है, बिल्कुल एकदम ब्लैक, जेट ब्लैक, जो हमें बहुत जरूरी चाहिए होता है। ये हमारा मस्कारा है। ये देखिए HD मस्कारा ही हमारा। दोस्तों ये हमें सारी चीजें मेकअप में चाहिए होती है, फिर चाहे कम रेंज में हो चाहे ज्यादा रेंज हो। इस तरीके से देखिए ये आप इसको लिप पे भी यूज कर सकते हैं आउटलाइन बनाने के लिए। आप चाहे तो आंखों के ऊपर भी यूज कर सकते हैं जब हम आउटलाइन करते हैं। तो देखिए एक ही स्प्रेड में कितना अच्छा कलर आ गया है। इस तरीके से कई कलर में आते हैं। ये इस तरीके से स्टिक में आती है लिपस्टिक, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आपका बजट हो आप वैसा यूज कर सकते हैं। आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई कि हमें मेकअप में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ये स्पॉन्ज को भी हमें गीला करना है। यदि आप फिंगर से यूज़ करना चाहें तो फिंगर से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे ब्रशेज यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं। आपका जिस चीज़ पे हाथ बैठता है आप उसी चीज़ को यूज़ करें। आप सभी तरीके से करके देखें, फोन से भी करें, ब्रश से भी करें और फिंगर से भी करें। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका मेकअप किस चीज़ से ज़्यादा अच्छा बैठता है। आप जब भी मेकअप करें हाफ फेस पे मेकअप करें, हाफ फेस को छोड़ दें ताकि आपको पता चलेगा कि किस चीज़ किस जगह पे हमें कंट्रोल करना है, किस चीज़ को हमें दबाना है, किस चीज़ को हमें उभारना है, जिससे हमें पता चल सके कि हमारा फेस कैसा लग रहा है। हाइलाइटर भी हमारे पास होने चाहिए। जैसा आपको हाइलाइटर चाहिए, लाइट चाहिए तो लाइट में शेड मिल जाएंगे, डार्क चाहिए तो आपको डार्क में भी शेड मिल जाएंगे। आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको मार्केट में अवेलेबल है। ये सब चीज़ें हमें मेकअप में चाहिए होती हैं, फिर चाहे वो कम क्वांटिटी में हो चाहे ज़्यादा क्वांटिटी में हो। जब आप मेकअप सीखते हैं तो आपके पास ये सामान होना ज़रूरी है। ये देखिए स्टिक भी देखिए कितनी आसानी से एक ही स्ट्रोक में फैल रहा है। यदि आप इसको स्पंज को गीला करके वहीं पे स्मूथ करेंगी तो वो आपका स्प्रेड हो जाएगा। हमें इसको इस तरीके से फैलाना नहीं है, इसको डैब डैब करके ही हमें किस स्किन में पहुंचाना है। जब भी हम मेकअप करते हैं, जब हम फाउंडेशन लगाते हैं या स्टिक लगाते हैं, हम जो भी यूज़ करते हैं तो हमें उसको पहले लगाना है और उसको सीधा इस तरीके से करके डैब डैब करना है, न कि उसको सीधा पोंछ देना है। पोंछ देंगे तो जो हमने कलर डिपॉजिट किया है तो वो हमारा कलर नज़र नहीं आएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आपको मेकअप की सारी चीज़ें बता दी कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँगी जो जो चीज़ें हमें पार्लर के लिए ज़रूरी होती हैं। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।